बना दो मधुर मेरा जीवन। अनुशीलनी प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर बताइए। प्रश्न आई, कवि किसके लिए तन मन धन अर्पण करना चाहते हैं? उत्तर, कवि अपनी मातृभूमि के लिए अपने तन मन धन अर्पण करना चाहते हैं। प्रश्न डबल आई, कवि जन जन में क्या वितरण करना चाहते हैं? उत्तर, कवि जन जन में अमृत के कणी का वितरण करना चाहते हैं। प्रश्न ट्रिपल आई, कवि प्रभु से किसे सुख दुख का दर्पण बनाने की प्रार्थना करते हैं? उत्तर, कवि प्रभु से अपने मन को जगत के सुख दुख का दर्पण बनाने की प्रार्थना करते हैं। प्रश्न आई भी, कवि मरण का वरण करने से पहले क्या करना चाहते हैं? उत्तर, कवि मरण का वरण करने से पहले जन जन के नयनों के अश्रुकण को पोंछना चाहते हैं। प्रश्न भी, कवि ने किसे अकर्ण कहा है? उत्तर, कवि ने विषधर सर्प के समान दुष्ट मनुष्य जो दूसरे की बात नहीं सुनता उसको अकर्ण कहा है। प्रश्न भी आई, इस कविता के कवि कौन है? उत्तर, इस कविता के कवि राधाकांत मिश्र है। प्रश्न दो, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न आई, कवि मातृभूमि हेतु क्या करना चाहते हैं? उत्तर, कवि मातृभूमि हेतु अपने तन मन धन बेहिचक अर्पण करना चाहते हैं। प्रश्न डबल आई, कवि अपने मन को क्या बनाना चाहते हैं? उत्तर, कभी अपने मन को जगत के सुख दुख का दर्पण बनाना चाहते हैं। प्रश्न ट्रिपल आई, कभी कब मरण वरण करना चाहते हैं? उत्तर, कभी सारा जगत के जन जन के नयन के अश्रुकण को पोंछने के बाद मरण वरण करना चाहते हैं। प्रश्न आई भी, कभी अपनी फौलादी बाहों से क्या करना चाहते हैं? उत्तर, कभी अपनी फौलादी बाहों से अप्रतिहत अभिचल गति से ज्यादा अन्याय को दमन करना चाहते हैं। प्रश्न भी, कभी अपनी रचना के लिए क्या चाहते हैं? उत्तर, कभी अपनी रचना के लिए मधुर वचन चाहते हैं। प्रश्न भी आई, कवि की हृदतंत्र की तान से क्या हो जाएगा? उत्तर, कवि की हृदतंत्र की मधुर तान से अकर्ण बीजधर सांप सर्प नतफन हो जाएगा, अर्थात किसी की बात ना सुनने वाला दुर्जन मनुष्य भी कवि की हृदतंत्र की मधुर वचन से नम्र आचरण करेगा। प्रश्न भी डबलाई, यह धरती कैसे स्वर्ग भुवन बन जाएगी? उत्तर, प्रेम परहित और सेवा से यह धरती स्वर्ग भुवन बन जाएगी। प्रश्न तीन, पाठ के आधार पर शून्य स्थानों को भरिए। बना दो ऐसा डैश बना दो ऐसा मेरा जीवन कि मातृभूमि हेतु बेहिचक कर दू तन मन धन अर्पण, अभिचल गति से कर सकू सदा अन्नय दमन।
प्रश्न चार, समझिए और लिखिए, इसको लिखना है। मातृभूमि अर्पण, सरस अमृत, मेरा दर्पण, अश्रु मरण बरण, अप्रतिहत रसना मधुर, हृदतंत्री प्रेम, धरती स्वर्ग। प्रश्न पांच, नीचे दिए गए शब्द के समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द लिखिए। पवित्र का शुद्ध पावन, रसना जिह्वा जीव, बिजधर भुजंग सर्फ, सूचि शुद्ध स्वच्छ, परहित परोपकार परस्मार्थ, सुरभि सौरभ सुगंध। सात, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, लिखिए। मातृयुक्त भूमि मातृभूमि, अश्रुयुक्त कण अश्रुकण, स्वर्गयुक्त भुवन स्वर्गभुवन, छलयुक्त हीन छलहीन, हृदयुक्त तंत्री हृदतंत्री। इस प्रकार के पांच शब्द सोचकर लिखिए। देश युक्त प्रेम देश प्रेम, मधु युक्त रस मधुरस, देश युक्त वासी देशवासी, मधु युक्त वन मधुवन, हरि युक्त नाम हरिनम। प्रश्न आठ, विलंब शब्द लिखिए। सरल जटिल, छलहीन बेईमान, मधुर कर्कश, अन्याय न्याय, हित अहित।